हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित एग्जाम्पल क्वेश्चन को बता दिया गया है, सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम बिना कोई समय को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें माध्यक दे दिया गया है और x और y यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं x, आपका इसका मान निकालना होगा और यहाँ पर y इसका मान निकालना होगा। तो सबों का जोड़ जो भी दे दिया गया है, इसमें 60 है ये दे दिया गया है। इसमें क्या किया गया क्वेश्चन में, x और y का मान निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जिसको बोल रहे इसको और इसको निकालना है, x का भी मान y का भी मान, वर्ग अंतराल दे दिया गया है और बारंबारता दे दिया गया है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है और यहाँ से हम हल को शुरुआत करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो कि माध्यक की बात है तो माध्यक निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, जो कि हम टेबल को बना लिए हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, जिसमें आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया ही हुआ है, जो कि हम पहले एक बार लिख देते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और यहाँ पर है योग लिख दिए। और बारंबारता भी दिया हुआ है, कितना कितना बारंबारता दिया हुआ, 5, इसको भी लिख देते 5, इसके बाद x, इसके बाद 20, इसके बाद 15, इसके बाद है y और 5 और यहाँ पर टोटल आपका जो दे दिया गया है ये 60 दे दिया गया है। टोटल आपका 60 दे दिया गया है। निकालना किसका मान है, निकालना मान हमको है x का मान, यही x का मान निकालना है और ये y का मान निकालना है, ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के बारे में भी हम जानते हैं कि कैसे निकलता है। तो संचयी बारंबारता का पहला वाला जो होता, पहला बारंबारता ही वो है, तो 5, इसमें x को ऐड करेंगे तो 5 प्लस x कर लेंगे ऐसे करके। इसके बाद फिर 25 को 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस x, यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद देखिए इसमें जोड़ेंगे 40 हो जाएगा ना, 40 प्लस कितना, 40 प्लस हो जाएगा आपका x, फिर इसमें y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस x भी हो जाएगा और यहाँ y भी हो जाएगा, यहाँ तक स्पष्ट है। फिर अगला स्टेप में देखिए, 40 में क्या 5 जोड़ना पड़ेगा ना, तो कहते हैं 45 प्लस x प्लस y, ये आपका निकल गया, यानी कि सबों का जोड़ जो 60 है वह 45 प्लस x प्लस y के बराबर है, ये बात स्पष्ट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए लिखेंगे कि प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्रश्न से आपका 45 प्लस x प्लस y बराबर आपको 60 दे दिया गया है, 60 दे दिया गया है। तो इसीलिए एक लाइन और, 45 प्लस x प्लस y बराबर हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, एक बार मिटा लेते हैं, इसीलिए कर लेते हैं, इसीलिए x प्लस y बराबर 60 और ये बराबर में के इधर है 45 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक एक बार देखिए,
ठीक है ना। तो बराबर ऐसे फिर लिख सकते हैं, एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं और इसके बाद ऐसे कर लेते हैं, x प्लस y बराबर कितना 15, ये 15 है, ये समीकरण आपका एक हो गया। यहां तक देखिए एक बार, आप देखिए यहां पर माध्यिका आपको दे दिया गया है, माध्यिका कितना दे दिया गया लिखेंगे यहां पे, क्योंकि माध्यिका का वर्ग तो अपने माध्यिका दे ही दिया गया है, क्या लिखेंगे, माध्यिका, माध्यिका या माध्यक कह ले, माध्यिका 28.5 दिया गया, माध्यिका दिया गया है, ठीक है ना, माध्यिका दिया गया है। तो 28.5 किस में समाएगा, देखिए किस में, इसमें समाएगा 28.5, ये आपका कौन सा वर्ग अंतराल में आ जाएगा, देख लीजिए माध्यिका का वर्ग भी आपका आ जाएगा इससे, ये देखिए गौर से देखिए, ये आ गया, दिया गया है। अतः माध्यिका का वर्ग, माध्यिका का वर्ग, माध्यिका का वर्ग 20 से 30 है। देखिए एक बार यहां तक, अब जब माध्यिका का वर्ग हो गया तो जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको हम लिख लेते हैं, L बराबर हो जाएगा आपका, L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो फिर 20 लिख दिए, N बाई टू, अब देखिए N बराबर आपको दे दिया, यहाँ पर लिख लेंगे N, ये क्या है N बराबर 60 दिया ना, तो N बाई टू कितना हो जाएगा, N बराबर 60 दिया तो N बाई टू बराबर हो जाएगा कितना 30, N बाई टू 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, N बाई टू 30 हो जाएगा। एक बात और देखिए, यहाँ पर माध्यिका का वर्ग 20 से 30 हुआ तो इसके ठीक ऊपर वाला ये जो होता है CF, इसके ठीक ऊपर वाला क्या होता है CF, ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला होता है छोटा f, ये बात को जाने जो कि बताया गया है आपको, माध्यिका निकालने में बताया गया है। अब देखिए n बाई टू हो गया, अब लिख देते हैं CF बराबर कितना निकला, CF बराबर देखिए 5 प्लस x और स्मॉल f कितना निकला, स्मॉल f 20 निकला, H कितना निकला, H माध्यिका वर्ग की लंबाई 10 का अंतराल है, देखते हैं 20 से 30, 30 में से 20 घटाइए तो 10 आ जाएगा। तो ये इतना इंफॉर्मेशन मिला कि माध्यिका वर्ग को हम जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 28.5 दिया गया था, माध्यिका का वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, अब हम करेंगे कि माध्यिका, ऐसा करते हैं यहां से कुछ लाइन कुछ लिखेंगे, माध्यिका M बराबर क्या होगा, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बट्टा स्मॉल f और गुना एच। यहां तक देखिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी के वजह से। अब देखिए माध्यिका आपको कितना दे दिया है, माध्यिका 28.5 दिया, 28.5 L कितना दिया, L देखिए माध्यिका दिया 28.5 और L बराबर दिया आपको 20, ठीक है 20 दिया, L बराबर 20 है, अब प्लस N बाई टू 30, ठीक है 30, और CF कितना, CF देखिए CF में आपको 5 माइनस x कर लेते हैं, यहाँ पर 5
यहाँ माइनस है ना, माइनस, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बाई ये और स्पष्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एन बाई टू आपका आया 30 माइनस कितना सी एफ आपका आया 5 प्लस एक्स, तो 5 माइनस आ जाएगा 5 माइनस एक्स। अब बाई छोटा एफ आपका स्मॉल एफ 20 है, तो 20 दिए और इसको ब्रैकेट को बंद करके लगा लेंगे, कितना 10 से गुना होगा, h ये हो जाएगा 10 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 28.5 और ये प्लस में है ना, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 20 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 25, 30 में से 5 जाएगा, 30 में से 5 जाएगा, तो 25, तो 25 माइनस एक्स बट्टा में कितना आएगा, 20 इंटू 10, ये 10 है इंटू 10, ऐसे घेर के कर ले, ऐसे घेर लेते हैं, और गुना में गुना 10, ये क्या होगा देख लीजिए गौर से, गुने 10। यहाँ तक देखिए एक बार, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, केवल क्वेश्चन का कुछ भाग को मिटा लेते हैं और यहीं पर x और y का मान निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ से अब हम इसके बाद जो है ना ऐसे दो कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके बाद यहाँ से कितना दिया देखिए, 28.5 में से घटाना कितना 20, तो कितना हो जाएगा 8.5 आएगा, 8.5 आया यहाँ पर। अब बराबर यहाँ देखिए 25 घटा एक्स है ना, 25 घटा एक्स लिख लेते एक बार, 25 घटा एक्स, अब बट्टा में 20 था और गुना 10 था, तो इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, 8.5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स बट्टा में 2। यहाँ तक स्पष्ट है, 8.5 यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, ये नीचे में अपना मन से आप एक लिख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ऐसे ऐसे होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8.5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 बराबर कितना हो गया, ऐसे ऐसे गुना कर लीजिए अब, तो यही आ जाएगा ना, तो 25 माइनस एक्स। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए गौर से देखिए कि ये माइनस का ये इधर आ जाए ना, मान लिया जाए कि इसको हम इसको इधर ले आए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब बराबर कितना 25 तो है ही ये, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 17, तो कितना घट के आया, इसीलिए कर लेते हैं यहाँ पर, इसीलिए x बराबर 17 घटा 25 घटा 17 तो कितना हो गया, घटा के 8 आ गया, 8 ही ना आ जाएगा, 8 से 15 अद्दू, हाँ ठीक है 8 आ जाएगा, तो x का मान निकला कितना आपका 8, देखिए एक बार x का मान निकला अब 8, और हम इक्वेशन नंबर 1 माने हुए हैं x प्लस वाई बराबर 15, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 था, कितना 15, और x का मान 8 रखेंगे प्लस y बराबर कितना 15,
इसीलिए y बराबर 15 माइनस 8, यही ना। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7। अब देखिए x का भी मान निकल गया, x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो लिख देंगे यहाँ पर, लिख देते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर। अतः अतः x बराबर कितना 8 और y बराबर 7, यही आपका दोनों आंसर हो गया। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व किए। ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बार बार रिवाइज करें। और वैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी इसी पर आधारित था, बता दिया गया है। दोनों एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत ही, दोनों एक टाइप का क्वेश्चन मिला है, उसको बार बार रिवाइज करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रायः पूछे जाते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।